नमस्कार, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हमारे साथ हैं यहां पर कांग्रेसी नेता, आज कांग्रेस के नेताओं द्वारा सुरेश मतलोडा जी हैं जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वहीं पवन शाहपुर हैं वो, उन्होंने आज यहां पर सेक्टर 5 में उन परिवारों को राशन बांटा जा रहा है जो कोरोना पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं कोरोना से उनके परिवारों में किसी प्रकार से उनको दिक्कत है, इसीलिए उनके परिवारों को आज उनकी तरफ से राशन दिया जा रहा। राशन में उनसे जानते हैं क्या क्या है और उसके बाद जानेंगे कि ये कितने लोगों को बांटा जाएगा। सर, क्या कहेंगे आज राशन बांटा जा रहा, किस लिए? ये पूरे देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरी कांग्रेस को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में कांग्रेस के साथी जो कोरोना से पीड़ित हैं उन परिवारों की मदद करें आप। तो हमने, हमारे कुछ साथियों ने, जैसे पवन शाहपुर जी हैं, संजीव कंबोज जी हैं, सुखराम बेदी जी हैं, जोगेंद्र वाल्मीकि जी हैं, अरोड़ा जी हैं, हम सब ने मिलकर ये किया, भाई हम अपनी तरफ से ये मुहिम शुरू करते हैं। जब तक लॉकडाउन है हरियाणा के अंदर, तब तक ये जो कोरोना से पीड़ित परिवार हैं उनकी हम मदद करेंगे। उनको ये खाने पीने का सामान है जिसमें आटा है, चावल है, दाल है, चाय पत्ती है, चीनी है, मसाले हैं और तेल है, ये सारी 11-12 आइटम हैं जो सब अच्छे, मतलब उन परिवारों को कोई खाने पीने में कोई ऐसा ही परिवार है उनको परेशानी ना हो। तो किसके दिशा निर्देश पर राशन ये राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पे है, हमारे हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी के है, हमारे राष्ट्र के नेता रणदीप सुरजेवाला जी हैं, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी हैं, उनके नेतृत्व में। तो आज कितने लोगों को राशन बांटा जाएगा? अब कम से कम 20-25 लोग तो लेके चले गए हैं। अच्छा। और जो लोग आए थे जिन्होंने हमको फोन पे कॉल किया था, तो अभी और भी बकाया है? अभी कोई आए, वो हमारे पास कॉल वाले तो सारे चले गए, उनका तो संपूर्ण हो गया। कोई सहायता मदद ये चलती रहेगी? चलती रहेगी जब तक हरियाणा में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते। हाँ, ये हमारे साथ है पवन शाहपुर जी जो कि कांग्रेस नेता है, उनसे जानते हैं सर ये आज का क्या अभियान है, किसके दिशा निर्देश पे चलाया जा रहा है? ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के ऊपर ये मुहिम चलाई गई है पूरे भारत देश के अंदर, और ऐसे ही हरियाणा के अंदर हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं विवेक बंसल जी, हमारी जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, उनके दिशा निर्देश पे हम करनाल के जो हमारे कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं ये सारे, जैसे गुप्ता जी ने बताया आपको कि भी हमारे सारे साथियों ने मिल के, सुखराम बेदी जी हैं, जोगिंदर वाल्मीकि जी हैं, राजेश अरोड़ा जी हैं, और हम सारे साथियों ने इकट्ठे हो गए। पिछले साल भी हमने ये लॉकडाउन के अंदर ये लोगों की, गरीब साथियों की सेवा करी थी, और अब की बार भी हमने जो ये प्लान बनाया है, जो परिवार में जिसको कोरोना से पीड़ित है, जो काम नहीं कर सकते, बाहर मजदूरी नहीं उनको मिलती, ये उनके लिए हमने सेवा की है चालू, क्योंकि वो रोटी के लाले पड़े हुए हैं आज, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर वो तो मजदूरी से ही उनका निर्वाह गुजारा चलता था परिवार का, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जैसे हमने उसमें दो नंबर दिए हैं, एक नंबर है 94160, 94196, एक नंबर है 94411 3000, दो नंबर हमने दिए हैं। जैसे लोगों की उनके हमारे पास कॉल आई थी, वो सारे साथी 25-30 लोग थे, वो लेके गए हैं राशन, और हमने एक ये चलाया हुआ है, आज से शुरुआत करी है, जब तक लॉकडाउन रहेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर तब तक ही हम सेवा जारी रखेंगे, क्योंकि लोगों के फ़ोन आते रहेंगे, उनके घरों में ही ये राशन पहुँचवाएंगे, तो क्योंकि बीमार आदमी आ नहीं सकता कि अपना, उनके घरों में ही हमारे साथी जो हमारी टीम है जो कोरोना से पीड़ित है उनके परिवार वालों को, उनके घरों में ये राशन पहुँचाया जाएगा। तो ये थे पवन शाहपुर जी, उनका कहना है कि ये आज से ही मुहिम शुरू की गई। आप देख रहे हैं कि जो राशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा, और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, पीड़ितों की, कोरोना पीड़ितों की सहायता भी की जा रही है, और राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर यह है राशन यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। आज काफ़ी लोगों को, 20 से 25 लोगों को जो है ना, कोरोना पीड़ित के परिवारों को राशन दिया जाएगा। और यह जो कांग्रेस नेता सुरेश मतलोडा जी हैं, पवन शाहपुर जी हैं, उनके द्वारा, उनकी टीम द्वारा आज यहाँ पर यह राशन का वितरण का अभियान यहाँ पर जारी है। जो भी लोग कोरोना पीड़ित हैं उनको यह राशन दिया जा रहा है, कोरोना पीड़ित के जो परिवार हैं उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए यह सहायता अभियान की जा रही है। राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर सभी कार्यकर्ता करनाल में, सुरेश मतलोडा जी, पवन जी, जोगिंदर जी सभी यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, उन्होंने यह सेवा शुरू की है। जो भी कोरोना पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर आ रहा है, और इन्होंने दो नंबर मोबाइल के जारी किए हैं जिस पर कोई भी व्यक्ति, जो भी, जिसको जरूरतमंद है, जो जरूरत है वो
कॉन्टैक्ट कर सकता है और उनसे राशन ले सकता है, क्योंकि लॉकडाउन जब तक चला है और जब तक रहेगा तब तक ये राशन वितरण का कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी को लेकर आज कांग्रेसी नेताओं ने यह कार्यक्रम में रखा और यहाँ पर सेक्टर 5 के मंदिर में राशन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आला जो नेता हैं, कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं राहुल गांधी जी नेता हैं, उनके दिशा निर्देश पर यह है राशन वितरण किया जा रहा, ताकि आम जनता की कोरोना पीड़ितों की सहायता की जा सके। करनाल से केसीआरए पंजाब केसरी टीवी।